नमस्कार, वाहन के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। फिर चैनल को आपने सब्सक्राइब किया ही होगा, तो अगर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, यही आपसे विनती होगी, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, तो स्टे ट्यून टिल द एंड, यू विल गेट टू नो अबाउट द प्रोडक्ट कम्प्लीटली। और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको एक्सपीरियंस कीजिए, उसको ट्राई कीजिए, उसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं आज का प्रोडक्ट के बारे में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अर्बन क्राफ्ट के बारे में, अर्बन एथनिक क्राफ्ट के बारे में, जो गए कई सालों से प्रोसेस में था, जो कई सालों से उसका एवोल्यूशन होते जा रहा था, चेंजेस होते जा रहे थे। तो आज फाइनली दो आर्टिकल के साथ या फिर कलेक्शन लॉन्च हुआ है, दो आर्टिकल हम लेके आए हैं दो कोर शेप में। तो आइए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। पहले इसके जानते हैं कि इसका इजाज क्यों हुआ। तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि इसके इन्वेंशन के पीछे दो क्वेश्चन का आंसर ढूंढना बहुत ज़रूरी था। जब वाहन का रिसर्च चल रहा था इनिशियली, कि वाई का ढूंढना चालू था, कि क्या इश्यूज है जो हम सॉल्व कर सकते हैं या फिर जो हम जिस पे हमने काम करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ में वो को इश्यूज़ ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ तो सॉल्यूशन आना चाहिए। While empowering craftsmen, we have to think about consumers also. हमें consumers के बारे में भी बात सोचना बहुत ज़रूरी था, कि क्यों आखिर consumers कम पहन रहे हैं कोल्हापुरी चप्पल से फिर एथनिक क्राफ्ट। ऐसा ब्लेम करके नहीं चलेगा कि सीधा उन लोग क्राफ्ट पहनना चालू किया, क्राफ्ट पहनना दूसरा जैसे रेडीमेड फुटवेयर पहनना चालू किया और क्राफ्ट बंद कर दिया, क्योंकि उसके पीछे भी कोई रीज़न होगा। ये लेके जब हम कंज्यूमर्स के पास गए, बहुत जिनसे बात की, साधारण हमने 500-600 लोगों के साथ बात की पर्सनली। लिटरली हम मार्केट में जाते थे बहुत सारे, जिधर फुटवेयर मार्केट में जाके रिटेल फुटवेयर मार्केट में जाके उधर कंज्यूमर के साथ बात करते थे, फीडबैक लेते थे। तो मोस्टली लोगों ने ये कंसर्न बताया कि ना पहनने के लिए उन्होंने कोर टू रीजंस व्हाट वी हैव फाउंड मोस्टली वर अफेक्टेड बाय वाज इन मोस्टली इन अर्बन सिटीज़। ये अर्बन सिटीज जो अभी अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो अर्बन सिटीज़ की वजह से जो क्राफ्टमैन का डिस्कनेक्ट हो गया है, तो क्राफ्टमैन इज़ नॉट मोस्टली अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन इन सिटीज़। सिटीज़ में जो क्राफ्ट का एवोल्यूशन होता रहता है, फुटवेयर का एवोल्यूशन होता है, कंज्यूमर्स जो अपडेट होते रहते हैं, तो उसके साथ क्राफ्टमैन का डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि क्राफ्टमैन ये नेटिव्स में बैठा हुआ है, उसको रिलेवेंट ज़्यादा नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। तो वो उसकी वजह से कंज्यूमर वो डिस्कनेक्ट हो गया था, और जो उनके जो कोर इश्यूज़ है, उसके सर्फेसेस सिटीज़ में जो चेंज हो रहा है ड्यू टू अर्बनाइजेशन, आज कॉन्क्रीट के सर्फेस आए हैं, स्टील के जो बोर्ड्स रहते हैं जैसे स्टेप्स पे वगैरह, या फिर टाइल्स रहते हैं जो जिसकी वजह से मार्बल्स रहते हैं, जिसकी वजह से ये स्लिपरी सर्फेसेस है। और एथनिक क्राफ्ट जो लेदर बेस्ड है, कोल्हापुरी या फिर मोजड़ी जूतीज वगैरह, वो स्लिपरी हो जाते बिकॉज ऑफ द सर्फेसेस चेंज। येट स्टिल द रूरल, इट इज़ रेलेवेंट टू द रूरल एरियाज, बिकॉज उधर के अभी भी सर्फेसेस ये मिट्टी के है या फिर डांबर के है, मतलब मिट्टी के है मोस्टली, तो मिट्टी है, डांबर के रस्ते है, जो जिसकी वजह से अभी भी उसको रेलेवेंस है, अभी भी उधर ग्रिप मिलता है फ्रॉम द सरफेस, बट अभी सरफेस से ग्रिप मिलना कम होगा। तो लिटरली हमें बहुत जनों ने एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसे वो पहले कोल्हापुरी पहनते थे, लेकिन एक हाथ बार गिर गए। तो ऐसे आपके भी आजू बाजू बहुत लोग हैं, या फिर आपको भी वो एक्सपीरियंस आया होगा कि आपका पैर स्लिप किया, आप गिर गए, जिसकी वजह से आपने वो पहनना बंद कर दिया। तो ये ऐसे बहुत एक्सपीरियंस की वजह से और इसके प्रमोशंस की वजह से, ऐसे एक्सपीरियंसेस के प्रमोशन की वजह से लोगों ने डर के कोल्हापुरी क्राफ्ट इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया, रादर एथनिक क्राफ्ट इस्तेमाल करना बंद किया विद कोल्हापुरी जूतीज एंड एवरीथिंग। सो इसमें वो एक इशू हमने प्रायोरिटी वन पे लिया था। दूसरा था कि जब सिटीज़ में हार्ड सर्फेसिस होते हैं, तब बचपन से ही या फिर मोस्टली अभी यूथ के या फिर यंगस्टर्स और एडल्ट पीपल के भी अभी हैबिट हो गई है पैर को कम्फर्टेबल कुशन पहनने की, क्योंकि बहुत सारे फुटवेयर कंपनी ने कुशन डालना या फिर कुशन ऐड करना शुरू कर दिया, और कंक्रीट सर्फेसेस में पैर को कंफर्ट जरूरी होता है, उसमें कुछ गलती नहीं है। तो अभी बिहेवियरल चेंज से ही लोगों को कुशन चप्पल या फिर कुशन फोम बेस्ड चप्पल पहनने की आदत हो गई थी, जिसलिए जब वो कोल्हापुरी पहनते थे कोई इवेंट के लिए, फिर वो कोल्हापुरी पहनने की चाहत भी रखते थे, वो पैर को बहुत हार्ड लगती थी एंड इट मेक्स देम अनकंफर्टेबल टू यूज़ इट, और फिर पहनना बंद कर दिया, जिसकी वजह से डिमांड कम हो गया और फिर हाथ को काम मिलना कम हो गया कारीगरों के। नाउ बैक टू द सॉल्यूशन, ये दो बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली, ये बहुत जनों को आ रही थी, ये बहुत मेन टॉपिक है, बाकी छोटी छोटी चीज़ें थी, लेकिन ये कोर टू इश्यूज़ वर देयर ड्यू टू विच द ह्यूज नंबर ऑफ पीपल वर नॉट ट्राइंग कोल्हापुरी और नॉट वेयरिंग कोल्हापुरी एनी मोर, हु यूज टू वेयर
और फिर इसके वजह से वो डिस्कनेक्ट हो रहा था फिर क्राफ्टमैन. तो वी थॉट ऑफ वर्किंग ऑन दोज दीज टू इशूज विथ मेंटेनिंग एस्थेटिक ऑफ एथनिसिटी एंड सोल ऑफ अ क्राफ्ट एंड द क्राफ्टमैन इन द क्राफ्ट. सो एंड टू विच वी हैव स्टार्टेड वर्किंग एंड उसको फिर फ्यूज करने के समय भी ज़्यादा से ज़्यादा कारीगरी का आत्मा फुटवेयर में फिर क्राफ्ट में रहना ज़रूरी था. इसकी वजह से हमने भी फिर ये क्राफ्ट डेवलप करना चालू किया. तो वी हैव कम अप विद दिस सेनापति एंड दिस मोजा शेप. एज वी सेड अर्लियर ऑल्सो, हमने पहले भी वीडियो किया है कि कोल्हापुरी में 3 कोर शेप्स रहते हैं, मोजा शेप, पूना शेप एंड सेनापति शेप. पूना शेप इज जस्ट द पॉइंटेड कोल्हापुरी चप्पल एंड द नॉर्मल वर्जन ऑफ दिस. अगर आप ये सेनापति शेप देखें तो इसको एक बाजू से कर्व होता है, पूना शेप में सिर्फ एक नॉर्मल कर्व होता है. सो विच डजेंट मेक एनी रेलेवेंस. मोस्टली पीपल वॉन्टेड टू वेयर और पीपल एक्साइटेड टू आर पी कोल्हापुरी नोन टू बी द बेस्ट क्वालिटी. कोल्हापुरी इज नोन फॉर इट्स शेप्स विच इज मोजा शेप एंड सेनापति शेप. सो वी हैव कम अप विद दीज टू शेप्स एंड लाइक वी हैव come up with this. So we have come up with these two shapes now and we would love to know how you feel about it and हमें बताइए आपको कैसे लग रहा है. सेनापति शेप ऑफ कोर्स बहुत लोगों को पसंद है, उसके साथ ये मोजा शेप क्योंकि उसका ब्रॉड जिनका पैर रहता है उनका फूट कवर करने में उससे ज़्यादा से ज़्यादा एरिया मिलता है. तो ये दो डिस्टिंग्विश शेप हमने लॉन्च किए, आपको कैसे लग रहा है ज़रूर बताइएगा. इसके बारे में बात करते हैं, ये प्योर लेदर में बनाया, हाई क्वालिटी लेदर इसमें इस्तेमाल हुआ और फोम के लिए हमने मेमोरी कुशन इस्तेमाल किया है जो कि फुटवेयर फोम्स में सबसे हाई क्वालिटी माना जाता है, जिसमें इट रिमेंबर्स इट्स ओन शेप एंड इट रीगेन्स इट्स ओन शेप, जिसकी वजह से आपको दबना जो कुशन का होता है, जो पिचक जाना होता है वो नहीं होता, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आपको कंफर्ट प्रोवाइड करता है, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आपको कुशन प्रोवाइड करता है पैर को, जो आपके पैर को हैबिट रहती है और पैर के कंफर्ट के लिए ज़रूरी होता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको कवर किया गया है द हाई क्वालिटी लेदर, जिसकी वजह से आपको बेनिफिट मिलेगा हेल्थ को, उससे कुछ हार्म नहीं होगा. अगर चीप क्वालिटी लेदर जब इस्तेमाल होता है जो हार्म होता है, तो इसमें हाई क्वालिटी लेदर इस्तेमाल किया गया जिसकी वजह से फीट को उसको हेल्प होगी या फिर बॉडी के लिए भी हेल्पफुल होगा. एंड द सेकेंड इशू विच वी टारगेटेड ऑन द एंटी स्लिपरी सोल वी हैव स्पेशली डेवलप्ड, जिसमें हमने एंटी स्लिपरी सोल डेवलप किया था, जिसकी वजह से ये जो साधारण आप फुटवेयर इस्तेमाल करते हैं जिसमें पीयू सोल वगैरह इस्तेमाल होता है, जो उससे ज़्यादा एंटी ग्रिप प्रोवाइड करेगा आपको अर्बन सिटीज़ में जब आप इस्तेमाल करेंगे, तो मोस्टली ग्रिप प्रोवाइड करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प आपके ट्रैवल में, आपके वो आपके चलने समय या फिर आपके भागम दौड़ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने के लिए वी हैव थ्राइव फॉर दैट. आई हैव पर्सनली यूज इट फॉर मिनिमम 8 to 9 मंथ्स इन द इंटेंस कंडीशन, बाइक ड्राइविंग कर बाइक के समय भी ब्रेक के टाइम जानबूझकर मैंने इस्तेमाल किया है. एट द सेम टाइम वेट कैरी करने के टाइम भी जब हम वेट कैरी करते तब मैंने इस्तेमाल किया. बारिश का सीज़न पूरा मैंने उसमें इस्तेमाल किया, चाहिए तो आपको फोटोज़ देता उसके. तो इट हैज़ टेस्टेड ऑन द स्टैंड ऑफ टाइम विथ मी. अगर मैं कोई चीज़ बहुत समय तक इस्तेमाल कर पाऊँगा तो वो चीज़ ज़रूर ही ड्यूरेबल है. मार्क माई वर्ड एंड यू कैन आस्क एनी वन हु नोज मी हाउ वॉट एक्सटेंड आई टेक द फुटवेयर. एंड इसकी वजह से आई कैन सर्टेनली से दैट दिस क्राफ्ट इज़ वेरी वेल टेस्टेड एंड वेरी वेल tested on the time and tested by me. So I personally use it and my experience were fantastic. I would not have said if it was not. And so humne aur evolution karte the, lekin my for me it was very good. So humne product launch kiya, usme product launch kar rahe and I'm very delighted to say so. And second, isme jo aesthetics hai craft ke wo humne puri tarah se retain kiya. Isme karigiri ki jo handcraft hai waise hi retain kiya gaya, karigiri ke hath ka kaam, karigiri ke karigiri ka namuna वैसे ही रिटेन कर रहा है. आज भी कारीगर उतना ही डिटेल से काम कर रहे हैं, आज भी उसमें रिफाइनमेंट उतनी ही हो रही है, आज भी वही इंट्रिकेट वर्क की डिटेलिंग उसमें मायने रखती है, उसी को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं. और जो उसके एस्थेटिक्स है, उसका जो सोल है क्राफ्ट का, वो आज भी वैसे ही रिटेन किया गया है. हर चीज़ हैंड स्टिच्ड है, हर चीज़ हैंड क्राफ्टेड है. तो ज़रूर एक बार एक्सपीरियंस कीजिएगा और आपको फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा जो कि कैसे लग रहा है आपको. इसमें हर चीज़ हैंडक्राफ्टेड है, हर चीज़ को हाथ से वही वैसा ही तराशा गया है जैसे एथेनिक हैंडक्राफ्ट में हमेशा होता है. और सिर्फ हमने इस टू और ये दो इशू भी इसमें रिजॉल्व किए गए जो कोर इशूज़ थे, उसकी वजह से आपको पहनने में और ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा और ज़्यादा आपको वॉकिंग के टाइम ग्रिप मिलेगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पहन सके, आप रेगुलर इस्तेमाल कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका इस्तेमाल करेंगे तो ऑफकोर्स डिमांड बढ़ेगा, उसके चर्चा और होंगी और क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और क्वेश्चन होगी और कारीगर को और काम मिलेगा. उसके
वजह से ऑफकोर्स एम्पावरमेंट होगा और एनरिचमेंट बढ़ेगा क्राफ्ट का, इसमें क्राफ्ट का एवोल्यूशन में एक और स्टेप ऐड होगा और कारीगरी को अच्छे दिन आने में हेल्प होगी। तो आपके आप एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिएगा इसके। आप देख सकते हैं इसके बेल्ट का जो एक एक वीणी वगैरह पूरा हैंडक्राफ्टेड है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं जो वीणी वगैरह है पूरा हैंडक्राफ्टेड है, ये जो रिबिट्स वगैरह है पूरे हैंडक्राफ्टेड एंड हैंड स्टिच्ड है, पूरा बेल्ट हैंड स्टिच्ड है, ये वीणी वगैरह जो बनाए जाते हैं पूरे आज भी वैसे ही हाथ से बनाए जाते हैं और उसको इसमें एम्बेड किया जाता है क्राफ्ट में। ये भी हाई क्वालिटी एंटायर मटेरियल इज एथनिक एंड हैंडक्राफ्टेड एंड येट मेड इन द हाइएस्ट क्वालिटी लेदर विच वी जो हम बहुत प्रिसाइजली डिटेलिंग से देखते हैं, उसको क्वालिटी मेंटेन रखने की पूरी तरह से कोशिश करते हो। ये भी प्रोडक्ट हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट में बना है। जैसे पहले कोल्हापुरी चप्पल पहनने के समय आपको प्रॉब्लम फेस होता था, आपको बहुत कंफर्टेबली सॉरी आपको बहुत कॉन्शियसली पैर डालना पड़ता था, मतलब आपको बहुत संभलना पड़ता था क्या, और नेक्स्ट डे आप पहनने को झिझकते थे क्योंकि भागम दौड़ नहीं कर पाएंगे कोल्हापुरी चप्पल के बारे में। लेकिन आज आप कोल्हापुरी चप्पल पहन के पूरा भागम दौड़ कर सकते हो विद वेयरिंग एथनिक क्राफ्ट इन द फील्ड, सो डोंट वरी अबाउट इट, यू कैन स्टिल वेयर इट एंड रन लाइक हेल। सो डू ट्राई इट आउट। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, लिंक पे जाइए, प्रोडक्ट एक्सपीरियंस कीजिए, आपको कैसा लगा हमें बताइए प्रोडक्ट एक्सपीरियंस करके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपको प्रोडक्ट कैसे लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आपके और कोल्हापुरी या फिर एथनिक क्राफ्ट लवर्स लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और उनके भी फीडबैक्स हमें ज़रूर बताइएगा। उनके प्रोडक्ट की लिंक जैसे हमने बताया कि डिस्क्रिप्शन में दी गई, ये प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा जिसकी वजह से हमको हम जब नए नए वीडियो लेके आते हैं उसके बारे में आपको पता चलेगा। धन्यवाद।